हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में एक बार आप लोगों का फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक परिवार में। तो साथियों, आज हम आपको, जैसा कि मैंने बोला था आपसे, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, मैं क्वेश्चन को इनक्रीज़ करता जाऊंगा, यानी कि क्वेश्चन की संख्या है वो मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो मैंने इस वीडियो में 80 क्वेश्चन लिए हैं, 80 क्वेश्चन की ये वीडियो है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। जितने भी साथी जुड़ चुके हो प्लीज़ एंड तक देखना। फर्स्ट ईयर में आप किसी भी ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बिल्डर, किसी भी ट्रेड से हो, कोपा वगैरह, सभी के लिए हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके साथी हैं, जो आपके साथ के हैं, उनको एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वो भी ले सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार सपोर्ट अच्छा दिया तो नेक्स्ट जो है 100 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। 100 क्वेश्चन की वीडियो होगी और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। 100 क्वेश्चन की लेके आऊँगा मैराथन, ये भी हमारी एक मैराथनी क्लास है और आप लोग एंड तक जुड़े रहें और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो कोई बात ही नहीं, तो वही पास वाले नंबर ले आना, 20-25 नंबर, एम्प्लॉयबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाओगे। लेकिन आपको 50 में से 48-47 लाने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बना दी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से, तो वहाँ पर उन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। मैंने उस प्लेलिस्ट में जोड़ दी है, तो प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर, किसी भी ट्रेड से हो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ठीक है। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कमेंट को आप लोग भी साथ में देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर वाली जो बटन है उस पर, चाहे कुछ भी करो, चाहे उस पर लड़ाई करो, दंगा करो, क्या करो, फसाद मुझे नहीं मालूम, पर चैनल रेड कलर की बटन को उसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में उसके बेल आइकन है, बेल आइकन जब तक आप उसको प्रेस नहीं करो तब तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरुआत, काफ़ी आपको बता दिया है हमने, अब क्वेश्चन करेंगे धुआं धुआं। 50 क्वेश्चन हो गए, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, समूह चर्चा के दौरान विमला के सहारे झुकी, एक मिनट यार, इन्होंने क्या किया, अच्छा झुकी हुई थी, उन्होंने चर्चा के किस पहलू को याद किया। थोड़ा इंग्लिश में भी डिस्कस कर दूं, विमला वाज लर्निंग अगेंस्ट द वेल डर्निंग द ग्रुप डिस्कशन विच एस्पेक्ट ऑफ ए डिस्कशन डिड सी मिस, बताइए। प्रभावशाली शुरुआती, सही मुद्रा, मुस्कान या जोर से हावी आवाज़। चलिए कमेंट करिए सभी लोग 51 का, बहुत बढ़िया, वो हो जाएगा सही मुद्रा, एकदम सही ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, कॉल करने वाले को होल्ड पर रखने के बाद उससे बात करते समय आपको क्या कहना चाहिए, चलिए बताइए, जल्दी से सभी लोग पढ़ लीजिए। व्हेन टॉकिंग टू ए कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड व्हाट शुड यू से, बताइए सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, उसे क्या कहेंगे। अच्छा है आप कि आपके पास कोई अन्य काम नहीं है, या हम उसे बोलेंगे मैंने तुमको कहा था कि तुमसे बहुत समय लगने वाला था, या हम कह सकेंगे धारण करने के लिए धन्यवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 52 नंबर का एकदम सही हो जाएगा सी ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, हम उसको धन्यवाद कहेंगे क्योंकि वो होल्ड पे था, ठीक है, सी ऑप्शन, काफ़ी लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 52, टेलीफोन कॉल में कितने चरण होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2, 4, 6, 3, चलिए फटाफट जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। 53 का काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, देखो कमेंट मालूम कौन कर रहा है, जिसको पीडीएफ मिल गई, मैंने जिन लोगों ने पीडीएफ को परचेस कर लिया था वो लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत जल्द, चलिए बहुत बढ़िया। 53 का क्या लगा रहे हैं, डी ऑप्शन, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका सही है। और साथियों आप लोगों के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ही है ग्रुप की और टेलीग्राम की, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 53 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, काफ़ी लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, आपकी आवाज़ के महत्वपूर्ण
पहलू क्या हैं, व्हाट आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वॉइस, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे सही आंसर क्या हो। मात्रा, गति, स्वर, उपयुक्त, तो सभी 54 का, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग इसका सही लगा रहे हैं, डी ऑप्शन, बहुत सही। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एक बार इस वीडियो को देखो, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। जब मैं इतनी मेहनत वीडियो बनाने में कर सकता हूँ तो शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। मैं आगे जो वीडियो होगी, मैं ही हूँ जो आपको इतनी जल्दी इतने क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ना आप किसी से तुलना कर लो मेरी, आपको इतने क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा होगा। अगर करवा भी रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन ले आऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप कॉल पर हैं और ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आप उस व्यक्ति को ज़ोर से बोलने के लिए कैसे कहेंगे, बताइए। क्या आप ज़ोर से बोल सकते हो, क्या आप कृपया थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हो, ज़ोर से बोलें, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए सभी लोग 55 का, बिल्कुल सही। हम बोलेंगे क्या आप कृपया थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है। क्या आप अपने सहकर्मी के साथ बातचीत कर रहे और आपका फ़ोन बजता है तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या कहेंगे उसे। आप कॉल को अनदेखा कर देंगे, आप अपने सहयोगी से प्रतीक्षा करने के लिए अनुरोध करेंगे और आप महत्वपूर्ण कॉल का उत्तर देंगे, फ़ोन का जवाब दें, या फ़ोन करने वाले को होल्ड पर रखें, या आप फ़ोन करने वाले से बात करने वाले सहयोगी को फंसे छोड़ देंगे, बताइए। 56 का, सोच समझ के आंसर देना है और कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, आप अपने सहयोगी से प्रतीक्षा करने के लिए अनुरोध करेंगे और उस जो कॉल आ रही है उसका हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण कॉल का उत्तर दे देंगे, ठीक है। उससे कुछ भी बोल सकते हैं, अभी हम बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 56 का बी ऑप्शन, काफ़ी लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, फ़ोन कॉल का नकारात्मक जानकारी देते हुए आपको कैसे बोलना चाहिए, बस बोलो, ज़ोर से बोलो, कॉल का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, चलिए बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे 57 का, सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही, विनम्र होना चाहिए, हमें ज़ोर से नहीं बोल सकते ना ही बस बोलेंगे, ठीक है। तो विनम्र हम, यानी कि हम कह सकते हैं शुड बी पॉलिटी, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन, आगे देखें 58 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, चूज द ऑड वर्ड, विषम शब्द का चयन करें, कृपया, क्षमा करें, कागज़ या धन्यवाद। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ सॉरी पेपर थैंक्स, बताइए। 58 का, देखो काफ़ी लोगों ने सही लगाया, कागज़। कागज़ क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, बाकी हमारे सब शब्द प्रयोग होने वाले होते हैं, सॉरी है, प्लीज़ है, थैंक्स है, ये हम बोलते रहते हैं, आम भाषा है, लेकिन कागज़ क्या है, कागज़ तो एक आम अलग है बिल्कुल चारों ऑप्शन में से, ठीक है। सी ऑप्शन, काफ़ी लोगों ने अच्छा कर दिया। चलिए आगे क्वेश्चन, ये रहा, सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें, वियतनाम के लिए कंपनी माल, यानी कि दी कंपनी खाली स्थान गुड्स टू वियतनाम, तो एक्सपर्ट, वाइज, फॉल्स, या हम कह सकते हैं गोस, बताइए क्या आएगा इसमें सही आंसर। 59 का बताइए सही आंसर, आप लोग क्या लगाओगे। देखो गुड्स है, यानी कि कह सकते हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस का है, तो आप क्या लगाओगे 59 का, बहुत बढ़िया, हम इसमें एक्सपर्ट लगाएंगे, यानी कि निर्यात करेंगे, ठीक है। गुड्स यानी कि एक्सपर्ट गुड्स टू वियतनाम, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, वियतनाम की कंपनी के माल का निर्यात करेंगे, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, चलिए कमेंट करेंगे फटाफट, किसके लिए सही कथन होगा, खालिस्तान, फैक्ट्री में आग लगी है, यानी कि हम कह सकते हैं देयर इज फायर इन द फैक्ट्री, पानी की समस्या हल हो गई, प्रवेश प्रतिबंधित है, आप अंदर जा सकते हैं, हमने मैच जीत लिया, यार मैच जीत लिया, आप अंदर जा सकते हैं, इसका तो कोई संबंध ही नहीं 60 का, हैं, तो हम लगाएंगे प्रवेश प्रतिबंधित कर देंगे जब भी कंपनी में आग लग जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन वाले सभी हैं, जो लोग बी ऑप्शन लगा रहे हैं बी, वो एकदम सही हो जाएंगे बी ऑप्शन वाले, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का एक वाक्य से पुनर्व्यवस्थित करें, बूढ़ा पढ़ना, या हम कह सकते हैं अखबार, तो अखबार बूढ़ा पढ़ रहा था,
बूढ़े आदमी को पढ़ने वाला अखबार या बूढ़ा अखबार पढ़ रहा था, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें क्या करना है मैं बताऊं आपको, ये हमें एक सेंटेंस बनाना है, लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा वो हमें बताना है। चलिए मिलाइए इसको, सेंटेंस को मिलाना है। देखो, बूढ़ा अखबार पढ़ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 61 हो गया, 62 नंबर देखते हैं। ये रहा 62 नंबर। इस प्रतिक्रिया के लिए एक प्रश्न तैयार करें, मेरी बस छूट गई, समझ गए, आई मिस्ड द बस। तो क्या होगा बताइए, देरी क्यों, आपको देर क्यों हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, बस क्यों छूट गई, बताइए। 62 का सभी लोग करें कमेंट, बिल्कुल सही, आपको देरी क्यों हो रही जो बस छूट गई, तो भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। वेयर आर यू लेट, ठीक है, बे ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ये हमारी क्लास चलेगी, 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन पूरे करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो 100 क्वेश्चन की लेके आऊँगा, जिससे कि मैं 4-5 दिन में आपका एम्प्लॉयबिलिटी ख़त्म। मैं सोच रहा था काफ़ी दिन लग जाएंगे कि PDF को कन्वर्ट करना, टाइपिंग करना, लेकिन नहीं, मैं मेहनत से आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, उसके लिए मेरी जितनी मेहनत हो रही मैं कर रहा हूँ। आप लोग बस इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, बस आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो और कुछ नहीं। वाक्य को भूतकाल में बदलें, वह लिख रहा है, इसको हमें किस में, भूतकाल में चेंज करना है, यानी पास्ट टेंस में। तो वह लिख रहा है, तो वह लिख रहा था पास्ट में करना है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 का कहाँ लिख रहा है, वह लिख रहा था, बिल्कुल सही, कुछ है ही नहीं सोच समझने का, बाकी हमारे सब प्रेजेंट हो जाएंगे, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे इसको। अपना परिचय देने के लिए आप किस अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे, बताइए, मेरा नाम, मैं हूँ, या आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ, उपयुक्त सभी। 64 का आप लोग क्या लगाओगे, देखो मेरा नाम है ये भी कह सकते हैं, मैं हूँ शिवम कुमार, आशीष कुमार, बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ आशीष कुमार, तो सीधा लगा दो उपयुक्त डी, डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आप विनम्रता से कैसे असहमत होंगे, विनम्रता से कैसे, तो आप जो कहते हैं वह मुझे पसंद नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे डर है कि मैं आप इसमें आपसे असहमत हूँ, मुझे डर है, बताइए क्या है। आप विनम्रता से कैसे असहमत होंगे, यानी कि हाउ विल यू डिसग्री पॉलिटी, बताइए। 65 का सभी लोग कमेंट करेंगे ईमानदारी से, बिल्कुल सही, मुझे डर है कि मैं आप इससे आपसे असहमत हूँ, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 65 का सी ऑप्शन। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, उस मुख्य कौशल का नाम बताइए जो अन्य भाषा कौशल जैसे पढ़ना है, लिखना, सीखने में मदद करता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, यानी पढ़ना, बोलना, लेखन, सुनना, किसके अंतर्गत आएगा बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे 66 का, देखो बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने डी ऑप्शन दिया, सुनना, ठीक है, ये सभी सुनने से मदद करता है, इस बात ध्यान रखना, यानी कि लिसन, ठीक है, डी ऑप्शन 66 का हो जाएगा। और 67 नंबर देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घोषणा करते हुए एक शिक्षक को सुने, दीवारों को रंगने के लिए कल चित्रकारों की एक टीम आ रही है, मेरे कमरे में डेस्क पर प्लास्टिक की चादरें हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें डेस्क पर रखें, उसके कमरे में पेंट लगाओ, पेंट लगाओ, उसके मेज में किताबें ले जाओ, डेस्क को प्लास्टिक शीट से ढक दें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेंट होगी तो हम क्या करेंगे, उससे ढक देंगे, डेस्क को क्या करेंगे, ढक देंगे। अब कहाँ है आप लोग देख लो जल्दी से, देखो हाँ बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने डी सी ऑप्शन दिया है, डेस्क को प्लास्टिक शीट से ढक देंगे जिससे कि वो गंदी ना हो, क्योंकि पेंट गिर जाएगी तो वो गंदी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन ये रहा, यह बोल रहा है सुनने में शामिल है, एक सुनाई, ए कह रहा है सुनाई, समझना और जवाब देना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या ए या बी, बताइए। तो 68 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ए आर बी, यानी कि सुनाई भी देगा, समझना और जवाब देना, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखें 69 नंबर, औजारों को अच्छी स्थिति में रखना है, अनावश्यक, आवश्यक, बराबर, औपचारिक, तो इन ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ITI वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, आवश्यक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, बी ऑप्शन आवश्यक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम यह सब कहाँ थे, तुम ये सब कहाँ थे, वेयर आर यू व्हेन ऑल दिस, बताइए बताओ। बहुत बढ़िया, दिन, तुम ये सब कहाँ थे इतने दिन तक, कैसे कह सकते हैं, तो डेज हो जाएगा 70 का बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, ये रहा क्वेश्चन नंबर 71 का है, राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ एंजॉय करते हैं, खेलना, लेखन, कार धुलाई या कर या धुलाई, बता, कमेंट करेंगे 71 का। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन खेलना, काफ़ी लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, बहुत बढ़िया, आप लोगों का ए ऑप्शन सही माना जाएगा, 71 का ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ये रहा, कमेंट करिए, रजिया को बारिश में खेलने में मज़ा आता है, इस वाक्य में नामकरण क्या है, रजिया आनंद मिलता है या फिर नाली, हाँ इसे देख सकते, रजिया इंजॉय या दी या ट्रेन रेन, बताइए सभी लोग, कमेंट करिए 72 का, काफ़ी लोग 72 का लगा रहे हैं, रजिया शब्द नामकरण एक रजी तो है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, ये रहा, बताइए, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी, आज का मौसम रहने वाला है आशावादी, गर्म, नीला, तत्काल, कैसा रहेगा आज का मौसम, बताइए। बिल्कुल सही, गर्म, वार्म, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 73 का बी ऑप्शन। 74 नंबर देखेंगे, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विराम चिन्हों वाले वाक्यों का चयन कीजिए, जनरेटर कहाँ है, जनरेटर कहाँ है, ये जनरेटर कहाँ है, जनरेटर कहाँ, कौन सा आएगा बताइए, तो जनरेटर कहाँ, एक प्रश्नवाचक हमारी बात हो गई ना, चलो अब बताओ सभी लोग 74 कमेंट करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह किस कहाँ पर लगेगा, कहाँ है प्रश्नवाचक लगेगा ना, चलिए इंट्रोगेटिव, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वेयर इज ए जनरेटर, ठीक है, ए ऑप्शन काफ़ी लोगों ने लगाया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, वाक्य के प्रकार को पहचानिए, तुरंत कमरे से बाहर निकलें, लीव द रूम इमिडिएटली, अचानक, तुरंत, पूछताछ, विस्मयादबोधक, अनिवार्य या घोषणात्मक, तो ये जो 75 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ये अनिवार्य है, बाहर आपको निकलना पड़ेगा, इम्परेटिव, 75 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी लोग लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं इसके साथ कार्य करता हूँ, किसके, नेल पॉलिश, रोबोट, वेल्डिंग उपकरण, अरे यार वेल्डिंग उपकरण सीधी सीधी सी बात है, ठीक है, क्षेत्र का कुछ बताने के लिए नहीं है, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सही, सच बोल रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने पूरा देख लिया तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और पार्ट 4 जो आएगा वो लॉन्ग आया, इससे भी लॉन्ग आएगा, ठीक है, बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट चाहिए, सबसे पहले मैं एम्प्लॉयबिलिटी ख़त्म करूँगा, बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जब आप कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, कृपया कॉल आए, तो आप क्या करेंगे, असभ्य होना, लड़ाई, अनदेखी या विनम्र होना, तो सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है, विनम्र होना, वी पॉलिटी, बिंग पॉलिटी, बिल्कुल सही यार, विनम्र हो जाएंगे ना, चलो डी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 बताइए, वाक्यांश, क्या मैं समझ सकता हूँ कि मेरा क्या मतलब है, इसका उपयोग किया जाता है, विस्तृत, क्षमा करें, सहमत, असहमत, चलिए 78 का सभी कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही, विस्तृत, यानी कि ए ऑप्शन वाले सभी सही हो जाएंगे, 78 का ए ऑप्शन लगा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, चलिए वाक्यांश, क्या मैं समझ सकता हूँ कि मेरा क्या मतलब है, इसका उपयोग किया जाता है, विस्तृत, क्षमा करें, सहमत, असहमत, जब भी क्षमा हमा के यार वो आ जाए, मैं समझता हूँ कि मेरा क्या मतलब है, इसका उपयोग क्या है, बताओ, ये हो जाएगा क्षमा करें, ठीक है, यानी कि फ्रेंड, ठीक है, बी ऑप्शन इसका भी, 79 का बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनें, क्या मल्लिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है, वह जाएगी, मैं निश्चित रूप से, हाँ उसके पास है, और सोमवार, तो एक बात याद रखना है मेरे दोस्त, मेरे ट्रेनी,
हाँ उसके पास, मतलब क्या बोला उसने, क्या मल्लिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया? बिल्कुल हाँ, उसके पास ही कह सकते हैं पार्टी है, इसीलिए उसने हमें बुलाया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, यस सी है, सी ऑप्शन 80 का हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं, चलिए, कथन है, कृपया इसे समाप्त करने में मेरी सहायता करें, क्या उपयोग कर किसके लिए किया जा सकता है? बताइए 81 का, बहुत बढ़िया 81, एक अनुरोध करें, ए ऑप्शन लगा रहे हैं, मेक ए रिक्वेस्ट, 80 का ए, वो 81 का ए ऑप्शन। तो साथियों ये 81 क्वेश्चन थे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे हम देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन वही है, सीरीज से पीडीएफ से आप एक एक क्वेश्चन मिला लें, हमारा पूरा क्वेश्चन आप उस पीडीएफ से मैच करेगा, ठीक है, कोई फालतू क्वेश्चन तो मैं करा ही नहीं रहा हूँ। मीनू अपनी सहेली रीता को परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद दे रही है, मीनू को क्या करना चाहिए? रीता आई एम सो सॉरी, रीता मैं आपको बाद में देखूँगा, रीता आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद, डी बोल रहा रीता धन्यवाद। तो हमेशा याद रखना जब भी कुछ ऐसा सिस्टम होगा तो हम क्या बोलेंगे, रीता क्या बोलेंगे, रीता आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद, जो भी आपने हमारी मदद की उस सभी के लिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संचार क्या है? बताइए संचार क्या है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे संचार क्या है, बहुत बढ़िया। कोडिंग और डिकोडिंग क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, ये एक संचार है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत शानदार। आगे देखें, अगर आपको नहीं आता है इस वीडियो को दोबारा फिर देख लेना है, जितनी बार देखोगे उतना रिवीजन होगा, सीधी सी बात है। मैं तो वीडियो देख देख के रिवीजन करके मैंने 85 बनाई। शिक्षक ने कहा प्रयोग का विषय पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर लिखे हैं, तो एक स्पष्ट रूप से संप्रेरित निर्देश, एक दोस्ताना तो समझने के लिए स्पष्ट नहीं है, एक दोस्त से माफ़ी। कमेंट करिए सभी लोग, चलिए कमेंट करिए फटाफट सभी लोग, तीसरे का क्या लगा रहे हो, बहुत शानदार, एक स्पष्ट रूप से कह सकते हैं संप्रेषित निर्देश, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, अंकित ने गलती की और रिया उसे बताना चाहती है, रिया कहना चाहती है मुझे खेद है आप एक बुरे व्यक्ति हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप कुछ खा सकते हो, खाने पीने कुछ बात ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मुझे खेद है, आई एम सॉरी, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये रहा, चलिए कमेंट करिए, जब कोई संचारक त्रुटियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो वह अच्छी तरह से प्राप्त हो, इस मुद्दे को हल करें, अधिक समस्याओं का नेतृत्व करें, रिसीवर की मदद करें। बताइए 5 नंबर का, बिल्कुल सही, अधिक समस्याओं का नेतृत्व करें, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, प्रभावी संचार की पहचान कैसे करें? तो प्रभावी संचार की जो पहचान होती है वो हमेशा याद रखना अभिव्यक्ति, आवाज़ शुरू होता है और शारीरिक भाषा, यानी कि हम देखेंगे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, काफ़ी लोग डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो वो एकदम सही आंसर इसका लगा रहे हैं डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, गुस्सेल व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी, तो हमेशा ऐसा जो भी गुस्सेल व्यक्ति होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है आक्रामक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आक्रामक, ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा दिया आंसर। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, अपने संचार कौशल में सुधार करने का एक तरीका है, तो वो तरीका क्या है वो हमें बताना है, चलिए कमेंट करिए सभी लोग। 8 का बिल्कुल सही, देखो ये है दोस्तों के साथ अभ्यास करना और फीडबैक प्राप्त करना अपने बारे में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका 8 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अरे मैं शरण हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे दौड़ने और यात्रा करने का बहुत शौक है, यह एक क्या है, औपचारिक अनौपचारिक उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए 9th का, तो वो हो जाएगा अनौपचारिक हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9th का बी ऑप्शन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार,
10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञता के विवरण के दौरान सूचित किया जाना चाहिए, क्या सूचित किया जाना चाहिए बताइए। 10 नंबर का बिल्कुल सही, वो हो जाएगा एक साक्षात्कार एन इंटरव्यू, ए ऑप्शन 10 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब आप भाषण देते हैं तो यह हमेशा बेहतर होता है, क्या बेहतर होता है वो हमें बताना है। चलो 11 नंबर बताइए, सीधे खड़े हो जाओ और मंच पर थोड़ा आराम से चलें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो 11 का डी ऑप्शन जो भी लगा रहे हैं वो साथी एकदम सही माने जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिए। टेलीविज़न पर समाचार संवाददाताओं को उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है, आवाज़, आँख से संपर्क, मुद्रा या उपयुक्त सभी, कमेंट करेंगे 12 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आवाज़, आँख से संपर्क, मुद्रा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है, बहुत बढ़िया। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो यकीन मानना काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जब मैं इस वीडियो को इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बना सकता हूँ तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को क्रैक करना आपका एक उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य है ही 100%। अगर आपको थ्योरी में 47-48 क्वेश्चन चाहते हो तो इन वीडियो को बार बार देख के अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, प्रभावी ढंग से अपना परिचय देने के लिए लोगों के बीच एक अच्छा प्रभाव पैदा करने में मदद मिलती है, भविष्य के दोस्त, शिक्षक, भविष्य नियुक्ता, उपयुक्त सभी, बताइए। बिल्कुल सही, इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई खुले विचारों वाला है और दूसरों की मन्य राय के आधार पर अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार है तो वो क्या करेंगे, अच्छे संचारक, कठोर संचारक, गरीब संचारक या मुश्किल संचारक, कमेंट करेंगे 14 नंबर, बहुत बढ़िया, अच्छे संचारक, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है तो एक अच्छा संचारक हमेशा ध्यान से सुने, धैर्य रखे, बहुत सारे प्रश्न या ए या बी दोनों, तो ज़्यादातर हमारा आंसर इसका सही निकलेगा, बताइए आप लोग, डी होगा या फिर ए होगा, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। यानी कि किसी चीज़ को हम अगर है व्यक्ति कह रहा है तो ध्यान से सुनेंगे और धैर्य भी रखेंगे, इस बात को आप सभी समझते होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चलिए, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे उसके लिए हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या एक महत्वपूर्ण है, तो एक हमेशा याद रखना इस बात को मेरे ट्रेनी, वो हो जाएगा दूसरे व्यक्ति को आपके संदेश को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 16 का सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 17 नंबर, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है, बताइए कौन सा पहलू शामिल है, अच्छा आंख संपर्क, खड़े या बैठने की स्थिति, मुस्कान, कमेंट करेंगे सभी लोग 17 का, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, 17 का डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चलिए कमेंट करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम संवाद करते हैं तो इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, किस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, तो एक ही बात याद रखना मेरे दोस्त, मौखिक और गैर मौखिक दोनों पर हम करेंगे ध्यान, तो इसका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, 18 का क्या हो जाएगा, 18 का सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 18 का। चलिए आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 19, कमेंट करेंगे, जब कोई प्रतिभागी समूह चर्चा के दौरान, मतलब चर्चा के दौरान शांत रहता है तो क्या हो जाएगा, मैं उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, बोलने के अवसर का प्रयोग करें, उनकी उत्पत्ति को भूल जाओ और उनके ओर से बोलो, ऐसा तो हो ही नहीं, उनकी उत्पत्ति भूल जाओ उनकी ओर से बोलो, ये तो कोई एक बात ही नहीं मतलब मैच करेगी 19 का, तो वो हो जाएगा मैं उन्हें भाग लेने के लिए प्रेरित करूँगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 19 का ए आंसर। आगे देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत करते समय दिलचस्पी दिखाने का एक तरीका है, तो क्या तरीका है वो हमें बताना है। बताइए बताइए जल्दी से सभी लोग। बातचीत करने का अंत में उनके विचारों को सारांशित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 20 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हमारी आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, स्मार्टफोन में खुद की बात रिकॉर्ड करना किसके लिए उपयोगी हो सकता है। खुद की रिकॉर्ड करना पूछा है, तो आप लोग बोलेंगे एक संचारक के रूप में हमारी ताकत और कमजोरी की जांच करना। बिल्कुल सही, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 21 का बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, चलिए कमेंट करिए। शीर्ष संचार कौशल जो किसी के कैरियर में मदद कर सकते हैं वे हैं, तो वो क्या होते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी, उपयुक्त सभी। सुनना, आत्मविश्वास, गैर मौखिक संचार, मित्र और खुले दिमागीपन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही। ठीक है, डी ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए, सभी लोग आंसर करेंगे। टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन क्या अर्थ क्या है। जब होल्ड ऑन होता है तो फ़ोन की अच्छी तरह से पकड़ना, थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा कर लिए, फ़ोन को नीचे रखने के लिए, फ़ोन को स्विच करने के लिए। ऐसा तो कुछ कहता ही नहीं, नीचे रखो या स्विच करो, ये कभी कोई कहता है नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर चलिए, जब आप समय पर उपकरणों की मरम्मत करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको चाहिए, तो क्या चाहिए। तो 24 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी, ग्राहक से आपको एक सप्ताह देने का अनुरोध करें। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 24 का बी ऑप्शन लगा रहे हो तो बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 25, चलो बताइए, अगर कोई टेलीफोन कॉल के दौरान संदेश देता है तो आप क्या करेंगे। बताइए क्या करोगे आप। तो हमेशा याद रखना, हम बोलेंगे कलम और कागज़ लेने तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन, 25 का बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का, इनमें से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। मेकअप उठाओ, रुको कॉल। यार सीधी सीधी बात हो जाएगी, मेकअप, मेकअप ही तो होगा 26 का। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है। आवेदक छोड़ें, विवाह कार्ड, फिर से शुरू करें, छात्र आईडी, फिर से शुरू करें। बिल्कुल सही, ठीक है, रिज्यूम, यानी कि फिर से शुरू करें कह सकते हैं हिंदी में, रिज्यूम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, चलिए कमेंट करिए। हम अपने रिज्यूम में क्या लिख सकते हैं, योग्यता, कौशल, अनुभव या उपयुक्त सभी। तो अगर देखा जाएगा 28 का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। योग्यता भी लिखते हैं, कौशल या अनुभव जो भी होता है हम सब लिख देते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन 28 का। आगे देखेंगे 29 नंबर, चलिए 29 नंबर कमेंट करें। उचित शारीरिक भाषा को साफ सुथरी उपस्थित साक्षर में सफलता प्राप्त करने के लिए मदद करती है, क्योंकि वे आत्मविश्वास होते हैं। सत्य या असत्य, ये हमें इसमें बताना था 29 का। तो आप लोग बोलेंगे सत्य। ठीक है, सत्य मतलब ट्रू, ए ऑप्शन हो जाएगा, ये सत्य वाला। ठीक है, चार ऑप्शन इसमें नहीं थे, पीडीएफ में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, सुनते समय वक्ता की आंखों में देखना और बोलते समय श्रोता की आंखों में देखना एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में क्या दर्शाता है। सत्य या असत्य, क्या दर्शाता है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सत्य, ये बात सत्य है, ए ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का है, प्रशिक्षक और प्रचार को लिखे गए अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र हैं, सत्य असत्य। जो पत्र लिखा गया है प्रशिक्षक के रूप में और प्रचार के रूप में, तो वो कैसा है, अनौपचारिक, सत्य है या असत्य, बताइए सभी लोग। 31 का कमेंट करेंगे बिल्कुल सही, हम कहेंगे सत्य है ये बात। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सत्य।
चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए? उदास चेहरे के साथ, एक सुखद मुस्कान के साथ, गुस्से में, या फिर डर के साथ? यार सब लोग इसका आंसर दे देंगे। थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, 32 नंबर का बिल्कुल सही, एक सुखद मुस्कान के साथ, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है तो क्या शामिल है, बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल है? 33 का आप लगा देंगे ए ऑप्शन, ठीक है, चमकदार दांत, साफ बाल और नाखून, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए करिए कमेंट। किसी की बात सुनते हुए फ़ोन या अन्य वस्तुओं से खेलना है, अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, देखभाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बुरा व्यवहार। बुरा व्यवहार मतलब कि बी ऑप्शन हमारा, 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत शानदार। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिर हिलाना यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण दृश्य संकेत है कि आप सुन रहे हैं, सत्य असत्य, से कोई देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, जब सिर हिलाएंगे तो सीधी सी बात है, 35 का हमारा इसका भी ए ऑप्शन रहेगा, सत्य बात है, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, चलिए अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर की अनभिज्ञता से अभिप्राय कह सकते हैं, अभिप्राय अनुभव होता है, सत्य होता है, असत्य होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर सत्य होता है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन वेड टच का उदाहरण है? इनमें से कौन सा वेड टच का उदाहरण है? तो आप 37 का लगाओगे डी ऑप्शन, जब आप अकेले हो तो अंजवी को छू कर रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 37 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, काफ़ी लोग डी ऑप्शन लगा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा, देखो ये बोल रहा, जब कोई आपका अनजान व्यक्ति मतलब कि व्हेन समवन डू यू नॉट नाउ टच यू इट इज़ गुड टू, मतलब जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो यह क्या अच्छा है, ज़ोर से नहीं चिल्लाओ, उस व्यक्ति के स्थान से दूर जाना है, किसी बुजुर्ग या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं, उपयुक्त में से सभी, तो 38 का हमारा जो देखा जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा, उपयुक्त टी, ठीक है, जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है, टच करता है, उसने बोला है ना, इसलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको डी ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। 38 नंबर हो चुके हैं, आगे देखें 39 नंबर, ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन, जब मैं एक अच्छा स्पर्श अनुभव करता हूँ तो मैं अच्छा और खुश, प्यार और संरक्षित महसूस करता हूँ, बताइए ट्रू है या फाल्स, सत्य या असत्य, तो हमेशा याद रखना 39 का इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो सत्य ही आएगा, ठीक है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए सभी में सत्य ही आ रहा है, ये बात आपने भी गौर की होगी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन ये रहा, करिए कमेंट। अधिकांश छात्रों में मुझे आपने बारे में बताएं, प्रश्न क्यों होता है, तो बताइए, सभी लोग देख लो फटाफट 40 का कमेंट करिए। अब आप लोग, साक्षात्कार उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है, तो बी ऑप्शन इसका भी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 40 का बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, यदि साक्षात्कारता साक्षात्कार में आपके विषय ज्ञान परीक्षण कर रहा है तो आपको यह करना चाहिए, सटीक और पूरी तरीके से उत्तर दें, प्रश्न से बचें, बहुत जल्द उत्तर दें, वर्णात्मक उत्तर दें, बताइए 41 का आप क्या लगाओगे, तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सटीक और पूरी तरीके से उत्तर देंगे, बिल्कुल हमारा 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए 41 हो चुके, 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि साक्षात्कार के अंत में आपका चयन नहीं होता है तो यह अच्छा है, तो क्या अच्छा है बताइए,
क्या अच्छा है सभी लोग बताएंगे, 42 का कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही। देखो, इस अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद देते हुए उत्तर देंगे, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 42 का ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको निम्न की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को घरें या व्यक्ति को दोस्ताना तरीके से देखें, व्यक्ति से दूर देखें या फर्श को देखें। तो हमेशा याद रखना, हम व्यक्ति को दोस्ताना तरीके से देखेंगे जब भी उससे हम क्या करेंगे, आप उससे बात अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बी ऑप्शन, काफ़ी लोग 43 का बी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 44, चलिए बताइए बताइए, जब आप समूह चर्चा में भाग ले रहे हो तो क्या होगा, बताइए। जब भाग लेंगे तो हमेशा याद रखना, स्पष्ट और समझदारी से बोलें। ठीक है, जब किसी चीज़ में भाग लेंगे तो बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, 44 का भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, जब कोई व्यक्ति हमारी राय से असहमत होता है तो हमें क्या, तो हमें चाहिए दृढ़ता से बहस करें, व्यक्ति के साथ लड़ो, उसकी राय सुने, काफ़ी रखें, यानी कीप क्यूट, यानी कि शांत रहें, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो 45 का हमारा सही हो जाएगा, व्यक्ति की राय सुनेंगे कि वह कहना क्या चाहता है। ठीक है, जब भी हमारी वो असहमत होता है, उसकी भी तो राय सुननी पड़ेगी, सामने वाले की क्या बोल रहा है। ठीक है, इस बात ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, दूसरे द्वारा बताए गए विचारों को दोहराने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, बताइए क्या कर सकते हैं हम। आप लोग क्या लगाएंगे 46 का, देखो बिल्कुल सही, 46 का बी, पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 46 का बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन ये रहा, चलिए बताइए, आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं, कोई स्पष्टीकरण अगर आप मांगते हैं किसी से तो आप बोलें क्या आप कृपया स्पष्ट कर सकते हैं, कैन यू प्लीज़ क्लियरली के वो कह सकते हैं क्लियरफाई, हाँ बिल्कुल सही, 47 का तो वो हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बी ऑप्शन इसका 47 का हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 48, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहा है, आप अपनी ड्रीम कंपनी में शिक्षुता के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आपको एक स्वीकृति मेल प्राप्त होता है तो आप स्थिति को कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे। तो 48 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप उन्हें धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, जब आप अपनी ड्रीम कंपनी में शिक्षुता के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आपको एक अस्वीकृति मेल प्राप्त होता है तो तब ये हम करेंगे कि आप उन्हें धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49, सफल लोग सफलता को कैसे, मतलब सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे डीमोटिवेट हो जाते हैं, वे दूसरों को दोष देते हैं, वे अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए और बी में से कोई एक है, तो आप लोग हमें ये जब हमारी वीडियो ख़त्म हो जाए तब हमें कमेंट, अभी देखो कोई मत दो, जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद हमें कमेंट करके बताना अपनी ट्रेड का नाम और इसका आंसर, उससे ये पता लग जाएगा कि हमसे कितने लोग कौन सी ट्रेड के जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अपनी ट्रेड का नाम ज़रूर दें इस आंसर में। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, जब दूसरे हमारे बारे में आहत करने वाली बातें कहते हैं तो हम क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखना 50 नंबर का वो हो जाएगा, ऐसे विचारों पर ध्यान ना दें और खुद पर प्रयास करें। ठीक है, बिल्कुल बात ध्यान रखें, दूसरों की बातों पर सर अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 80 क्वेश्चन करवाए थे, कितने 80 क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पूरी कोशिश करूँगा 80 या फिर 100 क्वेश्चन
लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन प्रेस कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऐसे ही हम आपकी मेहनत के द्वारा से वीडियो देते रहेंगे और आप अपनी ITI की एग्ज़ाम में सफलतापूर्वक पास हों। पास तो हर कोई हो जाता है, लगभग हमारे वीडियो से आप 90% बनाएं तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत बिल्कुल एक अच्छे तरीके से दिशा में। जब आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ तब हम आप लोगों से एक छोटा सा सहयोग मांगेंगे, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो में।